स्विगी जोमैटो ब्लिंकिट पर ऑर्डर करो 10 मिनट में डिलीवरी मिलती है। क्यों मिलती है कि नहीं? वैसे ही हमारा आजकल इंटरनेट इतना फास्ट हो चुका है कि पहले तो 3G होता था, अब 4G 5G ब्रॉडबैंड आ चुका है कि हमारे अंदर पेशेंस लेवल रहा ही नहीं है। फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम अगर कोई इंटरनेट चल नहीं रहा ना, रिफ्रेश पर क्लिक करते रहते हैं। वैसे अगर हमारी डिलीवरी 10 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे मैसेज करने लग जाता है कि कहाँ रह गया भाई डिलीवरी बॉय कहाँ रह गया। आप सोचोगे कि वीडियो का टॉपिक क्या है और कहाँ पर मैं बात ले गया। ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो का बिल्कुल इससे रिलेशन है। कैसे है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वन म्यूजिक रिकॉर्ड्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये स्कैम हुआ, कैसे ये फ्रॉड हुआ। तो चलिए वीडियो को उसके लिए शुरू करना पड़ेगा। वन म्यूजिक रिकॉर्ड्स फ्रॉड है, स्कैम है, ऐसे मेरे पास यूट्यूब पर बहुत सारे कमेंट्स आते थे। वही मैंने एक म्यूजिक कम्युनिटी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, वहाँ पे भी बहुत सारे मैसेज आते थे कि व्हाट्सएप पर हमें ये कॉल आंसर नहीं करते हैं, चैट का रिप्लाई नहीं करते हैं। और अब तो व्हाट्सएप की इन्होंने जो सर्विसेज लॉन्च करी थी वो भी बंद कर दी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका था। ये प्रॉब्लमेटिक किसके लिए हुआ था? जिन्होंने प्लान अभी तक नहीं लिया था, और जिन्होंने प्लान लिया था उनको भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था। वो क्यों करना पड़ रहा था मैं आपको अब डिटेल में बताने वाला हूँ। अब फ्रॉड तो हम कह ही सकते हैं अगर आपके पैसे ले लिए और रिटर्न में आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड ना करें। स्कैम भी हम कह सकते हैं अगर आपके पैसे ले लिए और आपके जो सॉन्ग्स है वो डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने ना किए हो। तो मेरी बात हुई वन म्यूजिक रिकॉर्ड्स के साथ और जाना कि ऐसी ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, भाई साहब इतने आर्टिस्ट इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स क्यों कर रहे हैं। तो उनके जो आंसर्स थे वो मुझे काफ़ी हद तक जायज़ लगे, उनके कुछ आंसर्स मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने बताया कि उनके पास आर्टिस्ट आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं कि हमने ये प्लान बाय करना है तो हमें इसकी डिटेल दीजिए। वन म्यूजिक रिकॉर्ड्स की एक वेबसाइट है, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्लान्स डिस्प्लेड है कि इस प्लान में आपको ये चीज़ मिलने वाली है, इस प्लान में आपको ये चीज़ मिलने वाली है। तो व्हाट्सएप पर आप कॉल कर मैसेजेस कर क्या जान लोगे भाई साहब? तो ये मुझे आंसर उनका काफ़ी ज़्यादा हद तक जायज़ लगा। दूसरा था कि वो उनको मैसेज आर्टिस्ट उनको मैसेजेस करते हैं कि भाई मेरा गाना 2 दिन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अरे प्लान तो बाय कर लो भाई साहब, आर्टिस्ट ने प्लान अभी बाय नहीं किया है, वो पहले पूछ लेता है कि आप 2 दिन में मेरा गाना रिलीज़ कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो इतने ज़्यादा मैसेज अगर आप किसी लेबल को, किसी म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को करोगे तो वो कैसे आंसर कर पाएगा? उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होती है कि उनके पास ऐसे नहीं कि 1000 लोग बैठे हैं आपके व्हाट्सएप के आंसर करने के लिए। थर्ड आंसर सुनने को मिला कि आर्टिस्ट अपने सॉन्ग्स की इन्फॉर्मेशन ही गलत सबमिट कर देते हैं सॉन्ग सबमिशन के टाइम पर। गाना कुछ और है, गाने का टाइटल कुछ और डाल दिया, कवर आर्ट में कुछ और ही सबमिट कर दिया, जॉनर कुछ और है, जॉनर कुछ और ही सबमिट कर दिया, अपना भक्ति सॉन्ग अपलोड कर दिया जो कि अलाउड ही नहीं है। उन्होंने वेबसाइट पे डिस्प्ले करके रखा हुआ है कि भक्ति सॉन्ग हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, फिर भी आर्टिस्ट आकर अब भक्ति सॉन्ग सबमिट कर देते हैं, फिर जाके फॉलोअप लेते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते हैं, हमारा सॉन्ग इतना टाइम हो गया डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमारा पैसा रिफंड कर दो। भाई कैसे हो सकता है ऐसा? अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट करोगे तो 2 से 3 से 4 से 5 दिन में आपका सॉन्ग कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? वो आपको ईमेल पर रिप्लाई करते हैं कि ये जो आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिट किया है उसको करेक्ट कीजिए। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो, आप व्हाट्सएप पर कॉल करते हो, तो इस कारण उन्होंने एंड रिजल्ट ये लिया कि व्हाट्सएप की सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर देंगे सो दैट आप ईमेल पर ही उनसे कॉन्टैक्ट कर सको। और कई आर्टिस्ट प्लान लेने के बाद बोलते हैं कि हमारे लोफाई सॉन्ग्स, कवर सॉन्ग्स, रिमिक्स सॉन्ग्स, मैशअप सॉन्ग्स डिस्ट्रीब्यूट करके दो, जबकि उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है कि विदाउट लाइसेंस ऐसे सॉन्ग्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। फिर भी आप व्हाट्सएप पर उनको कॉल करके मैसेजेस करके पूछते हो कि हमारे सॉन्ग्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं। इसमें पता दिक्कत किस बात की आती है? कई आर्टिस्ट जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है अपने सॉन्ग सबमिट करके बैठे हुए हैं, उनके जो सॉन्ग्स 2 से 3 दिन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते थे उनके सॉन्ग्स डिले होकर 10 से 12 दिन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 10 से 12 भी क्या, 15 से 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अगर आप अपने गलत सॉन्ग सबमिट कर देते हैं, क्योंकि गलत सॉन्ग इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना। अगर 100 आर्टिस्ट ने गलत इन्फॉर्मेशन के साथ सॉन्ग सबमिट कर दिया है, वहीं 5 लोग जो सही इन्फॉर्मेशन के साथ अपने सॉन्ग सबमिट कर चुके हैं वो सफ़र करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो गई थी जिसके कारण उन्होंने अपनी व्हाट्सएप सर्विसेज डिसकंटिन्यू करी। ये तो हो गई प्रॉब्लम्स जिनके उन्होंने मुझे आंसर किए। अब मैंने बात करी कि सॉल्यूशन पर कैसे आया जाएगा। मैंने बोला वन म्यूजिक रिकॉर्ड्स को कि व्हाट्सएप सर्विसेज तो आपने डिसकंटिन्यू कर दी, अब आपको आर्टिस्ट कैसे रीच आउट करेगा? उसके लिए वन म्यूजिक रिकॉर्ड्स ने लॉन्च करी रिक्वेस्ट सर्विस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका कंसर्न है, आप इनके डैशबोर्ड पर जाकर अपनी क्वेरी रिक्वेस्ट के रूप में रेज कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से डिस्प्ले पे मैं आपको एक ट्यूटोरियल दे देता हूँ कि कैसे आप ये रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो।
ओके तो जैसा कि आप देख सकते हो वन म्यूजिक रिकॉर्ड्स का ये डैशबोर्ड है आपका। जब आप एक प्लान बाय करोगे आपको भी एक डैशबोर्ड मिलेगा। आपने लेफ्ट साइड सबसे नीचे चल जाना है, रिक्वेस्ट एक टैब आपको दिख रही है उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे ये आपके साथ इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले आपको OMR कोड फिल करना है जो आपको मिला था वन म्यूजिक रिकॉर्ड्स की तरफ से, यूनिक कोड होता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया था वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करनी है, जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। उसके बाद आपकी क्या प्रॉब्लम है, इन जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको दिख रहा है इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे रिलीज नॉट अप्रूव, टेक डाउन रिक्वेस्ट, प्लान रिन्यूअल, इंस्टाग्राम लिंकिंग इशू, यूट्यूब कंटेंट आईडी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, रिलीज नॉट अप्रूव्ड, ठीक है। इसके बाद आपको रिक्वेस्ट टाइटल एक सेलेक्ट करना है, इट्स मोर देन माई अप्रूवल टाइम। अगर आपका जो अप्रूवल टाइम आपको दिया गया था उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, आपका सॉन्ग अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिटेल देनी है कि क्या आपकी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई हैव सबमिटेड माय सॉन्ग ऑन दिस डेट, आपको डेट मेंशन करनी है कि इस डेट को मैंने अपना सॉन्ग सबमिट किया था बट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, बट स्टिल माय सॉन्ग इज नॉट अप्रूव्ड, आपको मेंशन करना है कि आपका सॉन्ग अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप उनसे रीज़न पूछ सकते हो कि प्लीज टेल मी वाई माई सॉन्ग इज नॉट अप्रूव्ड, मे नो द रीज़न वाई माई सॉन्ग इज नॉट अप्रूव्ड। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दे दी और उसके बाद आपको सबमिट रिक्वेस्ट क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आपने देखा आप अपनी प्रॉब्लम की ऐसे रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो और ये गारंटी देते हैं कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपको ये रिप्लाई देंगे आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर। 24 से 48 घंटे का मतलब कि एक दिन से दो दिन के अंदर आपको ये रिप्लाई देंगे वर्किंग डेज में। मंडे से फ्राइडे के अंदर अगर आपको ये रिक्वेस्ट रेज करते हो तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपको ये रिप्लाई देंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे। अगर आप फ्राइडे को अपनी रिक्वेस्ट रेज करते हो तो सैटरडे संडे के बाद, ये मंडे के बाद आपका वर्किंग आवर्स स्टार्ट होते हैं। सैटरडे संडे आप भी आराम कीजिए, वन म्यूजिक रिकॉर्ड्स को भी आराम करने दीजिए, क्योंकि आराम करने की ज़रूरत सभी को है। अब हम बात करेंगे अप्रूवल टाइम की। अगर आपने अपना सॉन्ग सबमिट कर दिया इनके डैशबोर्ड पर जाकर तो कितने टाइम में आपका सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। अप्रूवल टाइम ये हर आर्टिस्ट को अलग अलग असाइन करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी इन्फॉर्मेशन देखती है कि कितना आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फिल करी है। आपको ये 3 से 4 दिन का टाइम भी असाइन कर सकते हैं, 5 से 7 दिन का भी, 9 से 10 दिन का भी, आपकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही आपको टाइम असाइन करेंगे। अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब कि आपने बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल की है, 3 से 4 दिन जो आपको असाइन है वो कम होके 2 से 3 दिन भी हो सकते हैं, 1 से 2 दिन भी हो सकते हैं। अगर आपको 7 से 9 दिन असाइन है, अगर आपने इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट फिल करी है, तो वो 3 से 4 दिन भी हो सकते हैं, 4 से 5 दिन कम भी हो सकते हैं। वहीं अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, अगर आपको 3 से 5 दिन असाइन है वो बढ़ के 7 से 9 भी हो सकते हैं, 9 से 11 भी हो सकते हैं। तो मेक श्योर आप जो भी इन्फॉर्मेशन अपने सॉन्ग की फिल करें वो बिल्कुल करेक्ट हो, एक्यूरेट हो, कवर जो आर्ट बनाते हो वो बिल्कुल करेक्ट साइज़ का हो। इनकी वेबसाइट पर डिस्प्ले किया हुआ है कि कैसे आप अपना कवर आर्ट बना सकते हो, कितने साइज़ का आपका कवर आर्ट होना चाहिए। आपके जो सॉन्ग का जॉनर है वो बिल्कुल सही सेलेक्ट कीजिए, जैसा कि अगर आपका रैप है तो रैप हिप हॉप ही सेलेक्ट कीजिए, अगर आपका लव है, रॉक है, जैसा भी आपका सॉन्ग है, डांस सॉन्ग है, जैसा भी आपका सॉन्ग है वही जॉनर सेलेक्ट कीजिए, जल्दी आपका सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कई आर्टिस्ट की प्रॉब्लम ये होती है कि वन म्यूजिक रिकॉर्ड्स की तरफ से उनको OMR कोड नहीं मिला। OMR कोड एक यूनिक कोड होता है वन म्यूजिक रिकॉर्ड्स की तरफ से, हर आर्टिस्ट को असाइन होता है जब भी आप एक अपना प्लान बाय करते हो। तो वो कैसे मिलेगा मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी आप एक प्लान बाय करोगे उसकी पेमेंट करोगे उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिलता है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। जब भी आप प्लान बाय करते हो तो आपको एक अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी होती है, उसी ईमेल पर आपको एक रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद आपको मिलता है एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को आपको डिजिटली साइन करना होगा। साइन करने के बाद आप जब वो एग्रीमेंट सबमिट करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका OMR कोड। अगर फिर भी ये सब प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपको OMR कोड नहीं मिलता है, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कीजिए। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, आप यहाँ पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको दिलाऊंगा आपका OMR कोड, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं वन म्यूजिक रिकॉर्ड्स के कुछ न्यू फीचर्स। ये प्रॉब्लम्स हुई उसके बाद इन्होंने अपनी वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा काम किया और ये न्यू फीचर्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहला फीचर है सॉन्ग्स डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रैकिंग। इसका मतलब है कि जब आप अपना सॉन्ग इनके पास सबमिट करते हो तो उसके बाद इनकी जो इंटरनल टीम है वो आपकी ऑडियो को वेरीफाई करती है, आपका सॉन्ग सुनती है, सॉन्ग सुनने के बाद वो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। अगर आपका सॉन्ग रिजेक्ट हो जाता है तो आपको एक ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा कि इस रीज़न से आपका सॉन्ग जो है वो रिजेक्ट हुआ है। अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका जो सॉन्ग है वो सेंट टू स्टोर होगा कुछ टाइम बाद। सेंड टू स्टोर हो जाता है तो मतलब कि आपका सॉन्ग स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह जाने के लिए रेडी है। तो जो भी आपको डेट असाइन हुई है उस डेट पर आपका सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
ठीक है। सेकंड कूल फीचर है एक्सपेक्टेड अप्रूवल डेट। जब भी आप अपना सॉन्ग इनके पास सबमिट करोगे तो ये आपको एक डेट असाइन कर देंगे कि इस डेट तक शायद आपका सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये भी एक कमाल का फीचर मैं कह सकता हूँ। थर्ड जो फीचर है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, रिक्वेस्ट का फीचर। 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर आप इनके पास एक रिक्वेस्ट रेज करते हो तो उसका ये रिप्लाई करेंगे आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर, ठीक है। और एक सरप्राइज न्यूज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि वन म्यूजिक रिकॉर्ड्स एक न्यू कंपनी अपनी लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लैक ट्यून, और ये म्यूजिक कंपनी आपको फ्री में म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करके देगी। कौन से आर्टिस्ट इसमें ऑनबोर्ड कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। जो भी हाई रेवेन्यू जनरेटिंग आर्टिस्ट है या हाई रेवेन्यू जनरेटिंग लेबल्स हैं वो इसमें ऑनबोर्ड कर सकते हैं। अगर आप मंथ में 1,00,000 रुपये कमाते हो, 50,000 कमाते हो, 30,000 कमाते हो अपने सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करने से, मैं आपको जो रेवेन्यू है वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि आपको इतना ही रेवेन्यू कमाया होना चाहिए तभी आप ये म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी बना दूंगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ब्लैक ट्यून कंपनी पर मैं एक न्यू वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इनका प्लान बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया इनकी वेबसाइट का, वहाँ जाकर आप इनका प्लान बाय कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कैंपस इमो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कैंपस इमो। पीस आउट।